हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। 18 दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 लीव्स रिमाइंडर, लीव्स 5 एज रिमाइंडर। हमें ऑल फोर डिजिट नंबर, ऐसे सारे फोर डिजिट नंबर का सम हमें निकालना है, सम फाइंड आउट करना है, जिसको कि अगर हम 25 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे, जिसको कि अगर हम 25 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे। ऐसे सारे फोर डिजिट का सम हमें निकालना है कि जिसको अगर हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, 5 बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एपी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन सी एपी सीरीज होगी, वो है ना, कुछ हमें मालूम है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये पता लगाइए, फाइंड द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट, फोर डिजिट के नंबर कितने होंगे। फोर डिजिट का नंबर जो होगा कहां से स्टार्ट होता है, फोर डिजिट नंबर जो है वो 1000 से स्टार्ट होता है। ये देखिए 1000 लिख गया, 1 2 3 4, कितने डिजिट है इसमें, 4 डिजिट है। अब लेकिन 4 डिजिट का नंबर तो होना चाहिए, लेकिन अगर उसको हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। अगर इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1000 को 25 4 डबल 100, लास्ट में एक जीरो यहां आया तो एक जीरो यहां बढ़ गया, है ना। यानी क्या हुआ, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहां कहे क्या रहा है, अगर हम 25 से डिवाइड करें उस 4 डिजिट नंबर को तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, यानी कि ये 1000 नहीं होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 1000 के बाद। और एक चीज ये भी देखिए कि यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचने के लिए कह रहा है, 25 से अगर हम डिवाइड करें उस 4 डिजिट नंबर को तो रिमाइंडर 5 बचे, यानी कि जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, उनके वंस प्लेस पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो यहाँ हमने देखिए 4 डिजिट नंबर लिया था 1000, उसके बाद 1000 के बाद अगर हम ले लें 1005, फिर उसके बाद हम ले लें अगर 1010, कितना लेने 1010, फिर 1015, ऐसे नंबर्स लेते जाएंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि फोर डिजिट नंबर ऐसा फोर डिजिट नंबर होना चाहिए कि वो उसको अगर हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर 5 बचे। तो यहाँ देखिए ये तो नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 बच गया था। और हम दूसरे वाले को देखते हैं, अगर हम दूसरे वाले को देखें, मान लीजिए 1005 को अगर 25 से हम लेते हैं, डिवाइड करते हैं 1005 को, फोर दा लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए तो आ जाएगा हमारा 100 आ गया, है ना। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ रिमाइंडर 5 बच जाएगा, एक जीरो यहाँ लगा देंगे। यहाँ देखिए रिमाइंडर 5 बच रहा है, नहीं बच रहा, रिमाइंडर 5 बच रहा है, यानी कि पहला नंबर तो हमें मिल गया, यानी एपी सीरीज का पहला नंबर हमें मिल गया 1005। अब ऐसे दूसरा ऐसे चेक करते जाएंगे दूसरा नंबर क्या हो सकता है, ऐसे इसी में देखते जाएंगे, डिवाइड कर लेंगे ऐसे गेस करके कि ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको अगर हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे, जैसे इसमें बच गया है। अब अगला ऐसे देख सकते हैं 15 है, उसके बाद 1020 होगा, फिर 1025 होगा, है ना, 1030 होगा, तो इसके बाद 1030 होगा। आप गेस करके देखेंगे तो आ जाएगा, देखिए 1030, क्योंकि अगर आप इसे 25 से कराएंगे, 4 डाले जाए तो यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 3, फिर एक जीरो यहाँ आ गया, 25 बंदा 25, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, यानी कि दो नंबर में मिल गए, एक ये मिला और एक क्या मिला, 1030 मिला। तो यहाँ अगर हमें दो नंबर मिल गए तो हम पता कर सकते हैं कि वो सीरीज क्या होगी। A1 A2 आपको मिल गया तो पता कर सकते हैं, पहला हमें क्या मिला 1005, दूसरा हमें मिला 1030। पहला क्या मिला 1005, दूसरा मिला 1030। चलो तो एपी सीरीज देखिए हमारी शुरू हो गई, पहला मिला हमें 1005, दूसरा मिला 1030। ऐसे तीसरा, अब यहाँ पर देखिए इसमें आप देख लीजिए कितने का गैप है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, या कह सकते हैं इसमें कितना प्लस किया कि 30 है, 5 था 5 में 25 प्लस किया तो 30 है ना, यानी कि इसमें बीच में कितने कितने का डिफरेंस आएगा 25 का, यानी अब 1030 इसमें हम 25 प्लस कर दे कितना हो जाएगा 1055 हो जाएगा। 1030 में अगर 25 प्लस करेंगे 1055 आएगा ना, यही आएगा ही। और इसके बाद देखिए ये हो गया इतने टर्म से, अब आपको सीरीज पता लग गई। अब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे 4 डिजिट लेने हैं तो 4 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का लास्ट नंबर होगा 9999। 4 डिजिट का ये तो होगा लास्ट नंबर, लेकिन हमें चाहिए क्या, ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि अगर हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे, रिमाइंडर 5 बचे, यानी ये नहीं होगा, या फिर इसमें से होगा देखिए 9995 होगा, या 9990 होगा, या 9985 होगा, या फिर 9980 होगा। देखिए 9995 होगा, क्योंकि 5 देखिए यहाँ पे ऐसे नंबर जिसको हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे, तो यानी कि या तो वन प्लेस या तो 5 होगा या तो 0 होगा, या तो 5 होगा या तो 0 होगा, तो इन्हीं में से देखेंगे। तो आपको लास्ट जो है, लास्ट यानी एनएक्स टर्म, या कह सकते हैं लास्ट टर्म क्या मिलेगा। अब इसमें आप देख लीजिए ये तो होगा नहीं, इन्हीं में से कोई होगा,
इनमें से अगर आप डिवाइड करेंगे 25 से इसको या इसको या इसको या इसको, तो किसी ना किसी को मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ से लेते हैं 25 से डिवाइड करते हैं 9980 को, तो यहाँ पे अगर हम लेके जाएंगे 3 लाख, 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर 8 आ गया, अब यहाँ 9 का लेके जाए, देखिए ये आ गया 225, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ 0 आ गया, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लेके जाए, हाँ फिर 9 का लेके जाए, 9 का लेके जाए कितना आएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसे गेस करके आप निकाल सकते हैं ना, ताकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म पता रहेगा, तो हम एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं आसानी से, तब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सीरीज पहले गेस करके पता करना होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, तो हमें लास्ट टर्म भी मिल गया, कितना है लास्ट टर्म हमारा, लास्ट टर्म आया है 9980। चलिए लिख दे रहे 9980, यहाँ आया 9980 यह, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें सीरीज मिल गई, तो यहाँ पर हमें मिला क्या क्या, देखिए हमें मिल गया ए मिल गया यानी फर्स्ट टर्म मिल गया, और डी कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, 1030 माइनस 1005 यानी आ जाएगा कितना, आ जाएगा 25, है ना, 25 का डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो कॉमन डिफरेंस हो गया। और हमें देखिए लास्ट टर्म भी मिल गया, चाहे हम एनएथ टर्म लिख लें और चाहे लास्ट टर्म लिख लें, दोनों से इसको एल से भी दिखा सकते हैं, एल से एनएथ टर्म दिखाया तब भी सही, दोनों सही है। तो चलिए अब यहाँ पर एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एनएथ टर्म की वैल्यू, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता ही आपको पता ही, एनएथ टर्म का क्या होता है, एनएथ टर्म का फॉर्मूला होता है एनएथ टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एनएथ टर्म आपको पता है कितना 9980 और ए कितना है 1005 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 25। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 9980 इज इक्वल टू 1005, यहाँ आ जाएगा प्लस 25 एंड माइनस 25, यहाँ हो जाएगा 9980 इज इक्वल टू 25 एंड, तो ऐसे है। अब यहाँ अगर हम माइनस कर दें इसमें 1005 में से 25, तो आ जाएगा हमारा 980 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 980, कितना आ गया। अब यहाँ देखिए 9980 माइनस 980 इज इक्वल टू 25 है, अब यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा, 9000 सीधा सीधा, और यहाँ कितना 25 एन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9000/25 इज इक्वल टू एन, 25 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 360, यानी एन की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 360, एन की वैल्यू कितनी मिल गई 360। अब हम निकाल सकते हैं, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 लीव 5 एज रिमाइंडर, सम निकालना है सारे, जो ये जो सीरीज दी गई है इसमें जितने भी टर्म्स हैं सबका सम निकालना है। तो चलिए सम निकाल लेते हैं सम वाले फॉर्मूले से, सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दे ए प्लस एल वाला तब भी आंसर आ जाएगा, क्यों एल मतलब लास्ट टर्म यानी एनएच टर्म, यह हमें पता है इसलिए ये फॉर्मूला लगा देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं, ऐसे नहीं सम ऑफ एन कितना आया, एन आया 360, सम ऑफ 360 टर्म्स यहाँ लिख ले रहे हैं 360 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 360 अपॉन टू, ए कितना है 1005 प्लस एल कितना है 9980। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180। इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना आया, यहाँ प्लस करना पड़ेगा हमको, हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, यानी 10985 को 180 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 1100010 lakh 10 lakh, यानी आ जाएगा 1977300, कितना आएगा 1977300। आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा, हमने कैलकुलेशन की थी इसको, इससे मल्टीप्लाई कराया था तो इतना ही आया था 1977300, आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, करा के देखेंगे इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपने निकाल दिया जो कह रहा था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 लीव्स 5 एज रिमाइंडर, यानी कि वो कौन सा होगा, सम ऑफ सारे नंबर्स का सम कितना होगा, ये होगा 1977300, ठीक है। तो ये आपको पता, तो ये सीरीज पता करनी पड़ेगी,
ये दो टर्म पता लग जाएंगे, बाकी हमें पता लग जाएगा और लास्ट टर्म पता करना पड़ेगा। तो अगर आपको सीरीज पता लग गई, ए की वैल्यू मिल जाएगी वहीं से, डी की वैल्यू मिल जाएगी वहीं से, आपको एनएक्स टर्म मिल जाएगा, एनएक्स टर्म का फॉर्मूला लगा के आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, एन की वैल्यू आ गई तो सम वाला फॉर्मूला लगा के आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए।